हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल घटना चक्र सामान्य भूगोल में। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 33। तो ये बार यूपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता भी है कि एग्जाम जो है दिसंबर में लगभग ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, और नेक्स्ट मंथ मतलब एक हफ्ते के एक दो हफ्ते अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपका आरओ एआरओ का वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्जाम दिसंबर तक होने की संभावनाएं हैं और होगा भी। और ये जो है इसके लिए आपको जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप घटना चक्र बहुत अच्छे से कर लीजिए, करंट अफेयर कर लीजिए, और जो आपने अभी तक नोट्स पढ़ा होगा या फिर स्टैटिक बुक जो भी पढ़ी रखी है उसका रिवीजन कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। और टेस्ट दे लीजिए, टेस्ट के लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, पीआर रिसर्च नॉलेज सेंटर है, इसमें आप बाई प्रिया करके सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो इसमें आपको ये टेस्ट हम करवा रहे हैं, तो उस टेस्ट को ज्वाइन करिए और टेस्ट को करते रहिए। उसमें बहुत सारे टेस्ट करवाए गए हैं और बहुत सारे टेस्ट करवाए जाएंगे आर ओ आर को, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, तो उसको एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर नंबर 33। तो आज हम करेंगे प्रजाति और जनजातियों के बारे में। तो जनजाति लोगों का वह समूह है जिसका सामाजिक रीति रिवाजों, समान भाषा तथा समान सांस्कृतिक विरासत द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। मूलाधार की स्टोन जाति वास्तव में पायनियर या प्राथमिक जातियां होती हैं, जो कि सामुदायिक जीवन की इनकी जीवन शैली होती है। अतएव यही कारण है कि ये सामुदायिक जीवन क्षमता को निर्धारित करती हैं। खानाबदोश किनको कहते हैं? वे जनजाति जो होती हैं जो पशुओं के चारे एवं भोजन की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं। वैसे तो खानाबदोश जनजाति लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन इनका सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में ये जनजातियां प्रमुखता से पाई जाती हैं। जब किसी मौसम में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलने की पुनः उस अवस्था पर जाकर रहने लगते हैं, तो इस मौसमी स्थानांतरण को ऋतु प्रवास कहा जाता है। ठंड के मौसम में पहाड़ों पर जब बर्फ गिरने लगती है तो जनजातियां नीचे घाटियों की ओर चली जाती हैं। पुनः गर्मी का मौसम आने पर वो पहाड़ों पर जाकर रहने लगती हैं। भारत में गद्दी, बकरवाल, भोटिया आदि जनजातियां ऋतु प्रवास करती हैं। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में निवास करने वाली मुख्यतः शिकारी और संग्राहक जनजाति हैं। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, उन्हें मोंगुलस कहा जाता है। ये जनजाति काले नाटक कद की निग्रिटो अज प्रजाति होती है। एस्किमो जनजाति जो होती है अलास्का, कनाडा तथा ग्रीनलैंड को टुंड्रा प्रदेश में रहने वाली मंगोलॉयड प्रजाति है। इसका मुख्य व्यवसाय शिकार है। यह जनजाति हार्पून नामक शस्त्र एवं कायाक नाव की मदद से मछलियों का शिकार करते हैं। इनुइट एस्किमो प्रजाति का ही स्थानीय नाम है। इसके द्वारा बनाए गए बर्फ के मकान इग्लू कहलाते हैं। इनुइट मूल निवासियों का सांस्कृतिक समूह है जो कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस और अलास्का के आर्कटिक क्षेत्र में अधिवासित हैं। मसाई जनजाति जो लोग पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया, युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशुचारक रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। मसाई जनजाति झोपड़ियों में रहते हैं, इन्हें क्रॉल कहा जाता है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड, बोस्वाना, नामीबिया आदि में पाए जाते हैं। बुशमैन का मुख्य व्यवसाय आखेट व जंगली वनस्पति का संग्रह करना है। ये सर्वभक्षी होते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं। जुलू दक्षिण अफ्रीका के निवास करने वाली जनजाति है। ये अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जुलू कबीलों और अंग्रेजों के मध्य 1879 में इंसाडालवाना का युद्ध लड़ा गया। ये मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादक, कृषक व पशुपालक होते हैं। सेमांग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप के निवास करने वाले जनजाति हैं। निग्रेटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनका जीवन वनों की उपज और आखेट पर निर्भर करता है। सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप मलेशिया में वनों में निवास करते हैं और सकाई जनजाति आखेट के लिए फूंक नली का प्रयोग करते हैं। पापुआ न्यूगिनी पर निवास करने वाली जनजाति, यह जनजाति पशुपालक एवं कृषि भी करती है। पपुआन खूंखार प्रवृत्ति के अंधविश्वासी लोग होते हैं। और सामी जनजाति प्रमुख रूप से उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा रूस के कोला प्रायद्वीप में पाई जाती है। इस क्षेत्र को स्कैंडिनेविया के रूप में जाना जाता है।
और बद्दू जो था अरब मरुस्थल में मुख्यतः सऊदी अरब क्षेत्र में उत्तरी भाग में पाया जाता था। तो बहुत सारी जनजाति हैं जो कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर ग्रॉप में हम कर लेंगे। पिग्मी कहाँ पांगो बेसिन में पाई जाती है, और एस्किमो जो है अलास्का कनाडा ग्रीनलैंड में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, बुस्मैन कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में, जूलू दक्षिण अफ्रीका में, सिमांग मलेशिया में, सकाई मलय प्रायद्वीप में, पपुआन पपुआ न्यू गिनी में पाई जाती है, बद्दू अरब मरुस्थली क्षेत्र में, बोरा अमेजान बेसिन ब्राजील पेरू कोलंबिया में, खिरगीज मध्य एशिया में, युकागिर उत्तर पूर्वी साइबेरिया में, माया मध्य अमेरिका में, माओरी न्यूजीलैंड में, फुलानी पश्चिम अफ्रीका में, बंतू जो है दक्षिण अफ्रीका में, बेद्दा जो श्रीलंका में, एनू जो है जापान में, बर्बर जो है मोरक्को में, और नूबा जो है सूडान में, बोरो जो है ब्राजील में पाई जाने वाली जनजाति है। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो नर्म गर्म नमी वाले क्षेत्र प्रदेश में, कौन से तो शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो अगला है, ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है, तो वह होता है मानव और वह उनके पशुओं को मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी और घाटी की ओर, ठीक है। तो तीसरा है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है, कौन सी जनजाति नवीनतम है, तो ये मानव तो क्रोमैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है, पर मानव प्रजाति में सबसे नवीनतम क्रोमैग्नन मानव को समझाता है। इसका अस्तित्व तो वर्तमान आधुनिक मानव होमोसेपियंस से ठीक पहले तक था। 1868 में फ्रांस की डॉर्डेन क्षेत्र में प्रथम बार इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई, जो 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व इसका अस्तित्व माना जाता है। अगला, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है, तो माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पहले। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है, तो वह अफ्रीका कहलाता है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो काकेशियाई, वर्तमान मतलब विश्व में काकेशियाई प्रजाति की गणना एक बृहद प्रजाति के रूप में की जाती है, इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। अगला है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो यहूदी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहूदी बहुत न्यूज में रहता है इसराइल में, और टेडा जो है ये लीबिया में, और बेजा जो है बेजा 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 कहाँ पर पाया जाता है, बेजा ईरान में, नहीं बेजा बीजा आपका पाया जाता है मिस्र में, और लूर जो है ईरान में पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही जगह, यहूदी इसराइल टेडा लीबिया बेजा मिस्र लूर ईरान। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी में पाई जाती है, तो पाई जाती है कांगो नदी के पास, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं, तो पिग्मी विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं। घरों के जो चार प्रतिरूप दिए गए, इनमें से कौन सा प्रतिरूप पिग्मियों का घर है, तो ये जो है आपका ये पहला वाला पिग्मियों का घर है। पिग्मी जनजाति के लोग वृक्षों पर अपने घरों का निर्माण करते हैं, प्रतिरूपों में ए में दिया गया प्रतिरूप सही है, ठीक है। अब दूसरा 12वां है, निम्नलिखित में कौन सा घुमक्कड़ नहीं है, तो घुमक्कड़ कौन सा नहीं है, तो सभी के सभी घुमक्कड़ हैं इसमें से, मतलब विकल्पों में सभी जनजाति घुमंतु में अर्ध घुमंतु प्रवृत्ति है, चारण तथा खाद्य संग्रह शिकार हेतु घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। कौन सा इसमें सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्किमो कनाडा में ये सुमेलित है, बाकी सब सम्मिलित नहीं है, देख लेते हैं क्यों नहीं है। तो इस उराव जो है भारत में आदिवासी जनजाति है, यहाँ पर उराव और भारत की है ना कि जापान की है, और जो ये है लैप्स जो है यूरोपीय टुंड्रा में निवास करते हैं, ठीक है। और ये जो है गोंड जो है भारत में निवास करने वाली जनजाति है, गोंड कहाँ पाई जाती है, भारत में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, तो डी सुमेलित है बुस्मैन कालाहारी। तो एस्किमो जो है ये कहाँ पर, बर्फीले क्षेत्र कनाडा अलास्का में पाई जाती है, और पिग्मी जो है मुख्यतः मध्य अफ्रीका क्षेत्रों में पाई जाती है और पश्चिमी क्षेत्रों में, बुस्मैन कालाहारी में पाई जाती है, ठीक है, और बिंदु पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, ना कि सहारा में। अगला है, ये मिलान करना, एस्किमो कहाँ पाई जाती है, तो एस्किमो जो पाई जाती है वो कनाडा में, मसाई मसाई जो पाई जाती है ये पाई जाती है केन्या, मसाई केन्या, और बद्दू जो पाया जाता है, बद्दू पाया जाता है सऊदी अरब में, बुस्मैन बुस्वाना, बस से बुस्वाना। एस्किमो कहाँ निवास करती है, तो कनाडा में, एस्किमो कनाडा। और यहाँ पर खिरगिज, खिरगिज जो है वो पाई जाती है आपका ये मध्य एशिया में, बुस्मैन बुस्मैन बताया मैंने आपको, बुस्मैन पाया जाता है कालाहारी में, एनू जो है एनू जापान में, बद्दू अरब में। इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पीछे 2016 में ये क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो ये कायाक कहाँ, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन क्रियाकलाप, तो कायाक का क्या काम होता है, तो कायाक जो है शिकार हेतु सक्रिय नाव होती है, और इनुइट क्या होता है, इनुइट जो होता है बर्फ का मकान होता है, और यूनियाक क्या होता है, योनी या कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी होती है, इसलिए। और ये जो नहीं,
ये स्लेज जो है कुत्ते चालक खींची गाड़ी होती है, यूनियाक जो है परिवहन हेतु नाव होता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देख लीजिए मिलान कर लीजिए। यह है बुशमैन कहाँ पाई जाती है, बुशमैन जो है केन्या में, बुशमैन नामीबिया में, बद्दू जो है बद्दू कहाँ पाई जाती है सऊदी अरब में, और पिगमी पिगमी कहाँ पाई जाती है, पिगमी जो है वो पाई जाती है कांगो में, और मसाई नामीबिया में। ठीक है, मसाई सॉरी मसाई केन्या में, कहाँ मिस जाती है, दिमाग सही नहीं है। ठीक है तो गलत है, ये जो आपका सही है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी, बुशमैन नामीबिया, बद्दू सऊदी अरब, पिगमी कांगो, मसाई केन्या। सेमांग लोग कहाँ के घने जंग उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो रहते हैं मलेशिया में। निम्नलिखित युग्मों पर कौन सुमेलित नहीं है, तो बर्बर जो मोरक्को सही है, इनपुट कनाडा सही है, इनुइट कनाडा सही है, और सेमांग इंडोनेशिया गलत है, और बिद्ध श्रीलंका सही है। तो सेमांग इंडोनेशिया गलत है क्यों, यूपीपीसी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है मेंस में। तो सेमांग जो है इंडोनेशिया की नहीं बल्कि मलेशिया की जनजाति है। जूलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न से किससे है, तो जूलू का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, तो बुशमैन कालाहारी, बुशमैन कहाँ पाया जाता है, बुशमैन कालाहारी क्षेत्र मरुस्थली क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, हालांकि दक्षिण अफ्रीका संघ अर्थात दक्षिण अफ्रीका में भी इसकी जनसंख्या पाई जाती है, ये सही है। और एनु जापान में मसाई, जापान में मसाई केन्या में, और पपुआ न्यूगिन्स जो होती है ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, पपुआ न्यूगिनी में। तो सारे के सारे सही है। अगला है 24 के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे, तो वो कालाहारी मरुस्थली को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, हेमाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया, तो बुशमैन जो है बोस्वाना, ये सही है। बुशमैन जन कालाहारी मरुस्थली में, दक्षिण अफ्रीका, अंगोल, बोस्वान, नामीबिया आदि में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मध्य एशिया में अल्पाइन सही है, सही है, कांगो में निग्रिटो ये गलत है, और कालाहारी बुशमैन स्कैंडिनेविया नॉर्डिक सही है। तो कालाहारी में बुशमैन, और कौन सा गलत था आपका, कांगो बेसिन का, तो कांगो बेसिन में पिगमी पाए जाते हैं, पर आप देखिए रट लीजिए इसको, पूरे जनजाति रट लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, खिरगिज मध्य एशिया, मसाई पश्चिम अफ्रीका, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, एस्किमो ग्रीनलैंड, तो ये बी वाला गलत है, क्योंकि मसाई जनजाति के लोग पश्चिम अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। निम्नलिखित गुमों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो मसाई जाम्बिया ये सुमेलित नहीं है, मसाई जाम्बिया जो है सुमेलित नहीं है, मसाई जनजाति केन्या में और तंजानिया में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे, तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद अर्मीनिया जॉर्जिया और तुर्कमेनिस्तान कुर्दिश में लोग रहते हैं, और अधिकांश कुर्दिश लोग ईरान, इराक और तुर्की में, सीरिया में निवास करते हैं। इनपुट लोग नहीं पाए जाते हैं कहाँ में, तो स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो फुलानी जो है पश्चिम अफ्रीका, बंतु सहारा मसाई पूर्वी अफ्रीका, नोबा सुगान, तो दूसरा सही नहीं है, बंतु सहारा में, तो बंतु में पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है स्कैंडिनेविया। निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किसमें उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, तो मंगोलॉयड से। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, पिगमी कांगो बेसिन, अगाम्बी नागालैंड, एनू जापान में, किर्गिज सूडान, तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, अगाम्बी जनजाति नागालैंड में, तथा सेनु जनजाति जापान में पाई जाती है, जबकि किर्गिज जो है किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है, ना कि सूडान में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो मसाई जन तो देखें मसाई जनजाति के लिए पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, ना कि मध्य पूर्वी, तो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, और पूर्वी अफ्रीका केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। सकाई जो है मलय प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, मलेशिया में भी पाए जाते हैं, किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं, किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और बडोइन या बद्दू जनजाति अरब प्रायद्वीप में पाए जाते हैं, ये सही है। इसमें क्या पूछा, ऊपर से एक से अधिक, ये ई हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो पहला अलास्का कोरिया के, गलत है, कोरिया की जनजाति अलास्का में नहीं वरन रूस की स्थानीय जनजाति है, जिनकी कुछ आबादी यूक्रेन में भी पाई जाती है। ठीक है, अगला करेंगे भाषाएं, तो विश्व की शीर्ष भाषा, भाषा संबंधी जनसांख्यिकी दो अंग है, तो यहाँ पर देख सकते A-1 प्रथम भाषा, मूल भाषा या मातृभाषा के रूप में भाषा जुड़े व्यक्ति की संख्या, जबकि ये प्रथम भाषा या मातृभाषा, और ये देख लीजिए क्या है, तो यहाँ पर देखें अंग्रेजी जो होती है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2,
उपयोगकर्ता यहाँ पर इतने इतने हैं और रूसी के इतने हैं, तो अंग्रेजी है, मंदारिनी है, चीनी है, फिर हिंदी है, स्पेनिश है, अरबी है, मानक है, देख सकते हैं। क्वेश्चन थ्रू करेंगे। एस्पेरांटो है, एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है, एस्टोरांटो। तो अंतरराष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल एल रेमेक हॉफ ने किया था। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मंदारिन है। और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी भाषा है, मंदारिन। निम्नलिखित देशों में से किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है? तो वह कांगो गणराज्य की। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? तो वह है सिंगापुर में। नीचे अमेरिका का मानचित्र दिया गया है, छायांकित क्षेत्र जो नीचे का है उसमें, और देवता के बोली जाने वाली भाषा है, मतलब जो 1 2 3 4 किया गया, इसमें भाषाएं कौन सी? तो फ्रेंच, पुर्तगाली, स्पेनिश, अंग्रेजी। पहले आई इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछता था, अब नहीं पूछता है। तो ये कथन कारण ये, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन सा सही है? तो ए सही है, आर गलत है। पंजाबी पाकिस्तान आधिकारिक भाषा है, ऐसा नहीं है, उर्दू है वहाँ की भाषा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डेनिश, डेनमार्क, डच, नीदरलैंड, मंदारिन, चीन, भाषा थाईलैंड। तो डी वाला सही नहीं है, भाषा जो है इंडोनेशिया का भाषा है। आर्थिक भूगोल की, अब हम आ जाएंगे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पे। कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो धान्य फसलें मानव के भोजन भोजन का प्रमुख स्रोत है। इसमें प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चावल, मक्का, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मूंग। विश्व स्तर पर मानव के भोजन में गेहूं की प्रधानता है। चावल अर्द्र जलवायु का पौधा है, इसलिए विश्व के आर्द्र देशों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। हालांकि सिंचाई द्वारा यह शुष्क क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। अधिकांश चावल क्षेत्रों में चावल खरीफ फसल जो नवंबर से दिसंबर में काटी जाती है, परंतु जावा में चावल की फसल अप्रैल में काटी जाती है। तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा के कारण अप्रैल मई में चावल की फसल काटी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय धान जीन बैंक, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान लॉस बनास फिलीपींस में स्थापित किया गया है। IRRI की स्थापना वर्ष 1960 में की गई। चीन में संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है। सॉरी, चीन में धान के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक पर संकर धान की खेती की जाती है। और खाद्य एवं कृषि एफएओ के सांख्यिकी विभाग के 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत में चावल की खेती कृषि के लिए सर्वाधिक 4500 हेक्टेयर था। तो अभी चेंज हो चुका है, आप देख लीजिएगा, हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जरिए कर लेंगे, बहुत बड़ा है तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों के लिए संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है चीन। खाद्य एवं कृषि के आंकड़े के अनुसार दूसरा है, विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो वह है द्वितीय। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? तो है भारत में, यहाँ पर आप देख सकते हो। निम्नलिखित को गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में लगाना, तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन चीन में कहाँ पर होता है? तो वो हो जाएगा आपका बी, मतलब 1 2 4 3, पहले आपका चीन हो जाएगा, फिर भारत हो गया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर रूस होगा। विश्व में सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला देश कौन सा है? वो चीन है। निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की सर्वाधिक उत्पादकता होती है? तो चीन में होती है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है कहाँ पर? चीन में है। विश्व का धान जीन बैंक स्थित कहाँ पे है? वो है फिलीपींस में। और निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो वो कौन सा देश है? तो वो है आपका जी म्यांमार हो सकता है, वहां पर आप देख सकते हैं, जापान, म्यांमार हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो वह है ब्राजील। और निम्नलिखित देशों में से विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक कौन है? तो भारत है। अगर इसके डाटा चेंज हो गए हैं तो हम जल्दी इसके लिए एग्जाम्स पहले आपके लिए सारे अपडेट्स ला देंगे। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? फ्रांस एवं रूस। निम्नलिखित देशों में एक कौन एक मात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? तो वह है यूक्रेन। यूक्रेन में लगभग संपूर्ण चीनी चुकंदर से तैयार की जाती है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो वह होता है अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सबसे अधिक है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और निम्नलिखित देशों में से प्रति एकड़ कपास उत्पादन उच्चतम है कहाँ पे? वह है चीन में। और निम्नलिखित में से कौन सा देश अरंड तेल की बीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? तो वह है भारत। और विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वह है भारत। और विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक? तो वह है इंडोनेशिया, उसके बाद भारत है। विश्व में फलों उत्पादक में भारत का स्थान क्या है? तो फल में भारत का स्थान दूसरा है, और ठीक है, चीन चीन का पहला है। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन विश्व में प्रथम है? तो वह चीन। और ये देख लीजिए, विश्व में कौन सा कथन है? मतलब सॉरी, दिए गए कथन में कौन सा है? चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है।
सही है, ब्राजील विश्व में सोयाबीन का बेहतर उत्पादक है, ये भी सही है। इटली विश्व में कच्चे रेशम का बेहतर उत्पादन करता है, नहीं वो चीन करता है, तो ये हो जाएगा पहला। दूसरा, निम्नलिखित देशों में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है, तो वो करता है मॉरीशस। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वह है थाईलैंड। और विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं, वह है थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। विश्व का लगभग एक तिहाई प्राकृतिक रबर उत्पादन होता है कहाँ से, वो थाईलैंड से होता है। सर्वाधिक रबर की खेती होती है वो भारत में होती है। और श्रीलंका में काफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर दी गई, तो वह रोग था पर्ड कीट, जिसमें वो पत्तियों को कीट खा जाते हैं। और विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक कौन है, कहवा का ब्राजील तथा वियतनाम है। विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन सा है, तो वह है ब्राजील। विश्व में कुल कहवा उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो ब्राजील है। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है, तो वह है वियतनाम। और ठीक है, एक मिनट, प्रश्न काल में विश्व का द्वितीय जो है ये होगा आपका वियतनाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे। निम्नलिखित देश में कौन सा विश्व का द्वितीय कहवा रेतम उत्पादक देश है, वियतनाम है। रोबस्ट एक प्रकार का की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होती है, तो क्या है वो, तो कॉफी है। और सबसे अधिक चाय का निर्यातक देश कौन सा है, देश है, तो वह है श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो वह चीन। अगला है, निम्नलिखित में देशों में 16-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक था कौन, तो वह था चीन। और ये कहवा कहवा कहाँ का है, ये साओ पालो पठार का है। जूट कहाँ का है, जूट जो है वो कांगो डेल्टा का है। चावल जो है ये है यांग टीसी मैदान का, और गेहूं जो है प्रेरी मैदान का। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो ये है होगा कहवा साओ पालो, और चावल का सिक्यांग बेसिन होगा, गेहूं का हुआंगहो बेसिन होगा, और चाय का कैंडी बेसिन होगा। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अब ये भी मिलान करना है, कोको कहाँ पर होता है, कोको घाना में, कोको घाव में, कहवा कहवा आइवरी कोस्ट में। और चाय जो है, चाय कहाँ पर होता है, गन्ना गन्ना कहाँ पर, चाय जो केन्या में होगा, और गन्ना जो होगा दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। ये यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है, तो हवाई में होता है। यह यूपीएससी 2015 में मेंस में पूछा गया है। कौन सा फल उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो सेब उष्णकटिबंधीय नहीं है। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्र में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है, तो वो डी व्यापारिक बागवानी में। और ये रबर है, और क्षेत्र देश कौन सा है, तो रबर उत्पादन में कौन सा देश है, तो वह हो जाएगा आपका मलेशिया। और कहवा उत्पादन में हो कौन सा हो जाएगा, कहवा उत्पादन में कोलंबिया हो जाएगा। जैतून के उत्पादन में इटली, और गन्ना के उत्पादन में मॉरीशस। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। ये भी मिलान करना है। ठीक है, ठीक है, नहीं ये दूध का, भारत दूध का उत्पादन करता है, थाईलैंड प्राकृतिक रबर का, सही है। चीन जो है लौह अयस्क का, भारत जो है प्राकृतिक रबर, भारत दूध का, और सऊदी अरब पेट्रोलियम का, और थाईलैंड प्राकृतिक रबर का। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। बागान कृषि में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा दिए गए कोट का सही चयन कीजिए। तो अधिकांश उष्णकटिबंधीय बागान निचले मैदान में अवस्थित होते हैं। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंड में पाए जाते हैं, और अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तर भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। तो कौन सा सही है, तो 2, 3 सही है, और पहला गलत है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है बगानी कृषि, और ये जो ये गलत है, क्या पूछ रहा है इसमें, सही उत्तर यही दूसरा तीसरा है। तो कृषि है, इस प्रकार कृषि विस्तृत क्षेत्र पर ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है। तो 2, 3 सही है। अगला एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, कॉफी रबर नारियल मसाले। तो ऊपर में से बगान फसलें कौन सी हैं, तो वो कॉफी रबर नारियल तीनों हैं, मसाले नहीं हैं, तो ये हो जाएगा बी। और एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है, वो कहलाती है एले क्रॉपिंग।
तो एक फसली कृषि विशेषता है किसकी? तो व्यापारिक अन्य कृषि की। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? तो वो एफेजेंट है। तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह है म्यांमार। म्यांमार में तुंगिया कृषि की। अब कथन कारण है, एक पौधा पौधा जिसमें नत्रजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के वरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। नत्रजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो कथन कारण दोनों सही है, एक दूसरे के स्पष्टीकरण भी करते हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए, एगेरिकस नॉस्टाक स्पाइरोगैरा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा? तो केवल दूसरा नॉस्टाक ये होता है, बाकी ये नहीं होते हैं। तो निम्नलिखित में से फसल में एजोला नाभिक जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? चावल में। निम्नलिखित किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो किया जाता है एजोला को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल के पैदावार को बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो धान धान के लिए। अल्फाल्फा क्या है? तो ये है एक प्रकार की घास। और कथन कारण है, किसी भी अफ्रीका देश में चाय बागान नहीं है, चाय के पौधों का उच्च ह्यूमस युक्त तो उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा और आठ सही हो जाएगा। पॉडजोल क्या है? तो पॉडजोल कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं। मोका काफी यहाँ उगाई जाती है, वह है यमन। निम्नलिखित में से कौन सा चाय में नहीं पाया जाता है? तो वह नहीं पाया जाता, मॉर्फीन। और कृषि के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? तो की जाती है पादप, ये कृषि अनुसंधान ये की जाती है, और पादप संरक्षण ये की जाती है। तो डी हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल, ये गलत है, बाकी सब सही है। और हीरोइन प्राप्त की जाती है किससे? तो अफीम पोस्ता से। और निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? तो वो किया जाता है अफगानिस्तान को, ईरान को और पाकिस्तान। तो यह आ जाएगा उत्तर डी। निम्नलिखित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? तो वह मध्य अफ्रीका में आता है। सैक्रामेंटो सैन जोवा क्वीन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वाले फलों में उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कहाँ पे? वो कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। और कथन कारण, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है, उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। तो कौन सा सही है? कथन कारण दोनों सही है और एक दूसरे का स्पष्टीकरण हो जाते हैं। विश्व के निम्नलिखित प्रदेश में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए? तो किए गए मैक्सिको में। कत्था बनाने की हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैर का किया जाता है। और मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की मुख्य प्रमुख फसल है? तो गैम्बिया की है। और मूंगफली का मूल स्थान क्या कौन सा है? तो वह ब्राजील है। और शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा होता है? तो चीन में होता है। शहतूत साल बनाई जाती है, वो बनाई जाती है चीरों के बालों से। और एपिकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है किससे? तो शहद के उत्पादन से संबंधित है एपिकल्चर। विटीकल्चर किस संबंधित है? वो अंगूर के उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये सही है। और ये जो है ये गलत है, क्योंकि सब्जियों की जो खेती होती है उसको ओलेरी कल्चर बोलते हैं, ना कि हॉर्टिकल्चर। और ये रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा है, पहला चीन का है। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? तो चीन है। ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी होते हैं। तो कौन सा कथन कारण दोनों सही, एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? तो वह चीन में। ठीक है, और यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? तो किया मैड काउ रोग ने। दूध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो वह स्थान है भारत का। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है भारत। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दूध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? तो डेनमार्क में गाय के दूध का सबसे ज्यादा है। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो भारत होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस होगा। अमेरिका देश में कौन निम्नलिखित देशों में से कौन मक्का उत्पादन विश्व में द्वितीय स्थान पर है? तो वो चीन है। निम्नलिखित में से किससे विश्व का चीन का कटोरा कहा चीनी कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। और ब्राजील में विश्व विशाल कहवा बागानों में कहा कहा जाता है
वो कहा जाता है फजेंडा को, और ये देश है प्राथमिक निर्यातक। प्राथमिक निर्यातक क्या है, निर्यात क्या करते हैं, चाड जो है, चाड क्या कहता है, पेट्रोलियम का, और ये जो है नाइजर यूरेनियम का, और रवांडा जो है ये कहवा का, और बेनिन जो है कपास का। तो इस तरह से हो जाएगा सी, यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है, तो वह है भारत। और निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा, सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है, तो है ईरान। और यहाँ पर मिलान करना है आर्थिक क्रिया क्रिया कृषि प्रदेश और देश है। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन कहाँ पर होता है, तो वह होता है डेनमार्क में। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन कहाँ पर होता है, वह होता है अर्जेंटीना में। और वाणिज्यिक बागानी फसल का उत्पादन कहाँ पर होता है, मलेशिया में होता है। वाणिज्यिक फसल उत्पादन कहाँ होता है, फ्रांस में होता है। इस तरह से ऑप्शन ए सही जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा है कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, तो वह लातविया नहीं है, बाकी सब है। अगला आप खनिज है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, तो और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।